सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने उज्जैन में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन पीआईबी भोपाल की अपर महानिदेशक डॉ. वसुधा गुप्ता ने किया। मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. वसुधा गुप्ता ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सरकार और मीडिया के बीच सार्थक संवाद का जरिया हैं। इनके माध्यम से सरकारी योजनाओं की जमीनी कार्यान्वयन के बारे में पत्रकारों से फीडबैक प्राप्त होता है। कार्यक्रम को डिप्टी कमिश्नर जीएसटी वीरेंद्र कुमार जैन, एलडीएम अजय तंवर, योग विशेषज्ञ शरद नागर ने भी संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों को वित्तीय समावेशन, जनधन योजना और जीएसटी के प्रावधान आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। पत्रकार बंधुओं ने कार्यशाला को बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि किसी भी सरकारी नीति और योजना की खामियां दूर करने में इस तरह के परस्पर संवाद जरूरी हैं। अलग अलग प्रकार की योजनाएं अलग अलग समय पर बताई जाती हैं और ये भी जानती हैं कि कोई भी योजना हो उसका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है कि जो पॉलिसी स्तर पर सरकार से सरकार तक बात जाती है, दूसरा होता है कि नहीं उसका कार्यान्वयन तो हो रहा है लेकिन लोगों का उसके बारे में क्या विचार है। क्योंकि मैंने ये बात इस तरीके से आपके सामने रखी, उसका उद्देश्य ये है कि पत्र सूचना कार्यालय जो है भारत सरकार का, उसका एक काम है मीडिया के माध्यम से सरकार को जनता तक ले जाना। पूरे ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक यही उद्देश्य है कि कैसे सरकार को लोगों से जोड़ें मीडिया के माध्यम से। जब हम कहते हैं मीडिया के माध्यम से तो हम आप सब एक ही परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। जीएसटी एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है और जब ये प्रैक्टिकल रूप से लागू हो रहा है तो आप निश्चित रूप से आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा पत्रकार साथियों के लिए जीएसटी। जीएसटी मान के चलिए ये जिस उद्देश्य से लाया गया, जिस सोच से लाया गया बहुत ही दूरदर्शी, बहुत ही सोच समझी प्लानिंग के साथ इसको लाया गया है। और आप देखिए आज पूरे देश में एक सेंटर से लगा है, मूवमेंट बिल्कुल सही हो रहा है। इसके साथ साथ कई किसी प्रॉब्लम है, किसी ट्रबल से है ना, कई कई कुछ समस्या है जो जो के साथ संस्थागत रूप से जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से समय आने के साथ साथ वे चीजें भी जुड़ी।